स्टूडेंट्स, हम आज मैथमेटिक्स में थर्ड पेपर स्टार्ट करते हैं। थर्ड पेपर है आपका एनी न्यूमेरिकल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आपका कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका चल रहा है सेकंड वीडियो। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस टू टाइप का डिफरेंस है, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस, बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस का सिंपल डेल्टा, या हम कहें ओनली फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा ट्रायंगल की तरह बनाते हैं इसको, डेल्टा। तो एफ एक्स कोई फंक्शन है और किसी पॉइंट ए पर, एफ एक्स कोई फंक्शन ए पॉइंट पर हमें क्या निकालना है इसका? फाइनाइट, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, डेल्टा एफ ए, डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये एच क्या है? एच इंटरवल है, अगर हमें चाहिए डेल्टा स्क्वायर एफ ए तो डेल्टा स्क्वायर के लिए डेल्टा डॉट डेल्टा, या डेल्टा इंटू डेल्टा एफ ए, इंटू नहीं बोल सकते, ये ऑपरेटर है एक, तो डेल्टा डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा और डेल्टा एफ ए का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। डेल्टा ऑपरेट किया, डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए। सो डेल्टा एन एफ ए इज इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन, और डेल्टा हमने ऑपरेट कर दिया, तो डेल्टा एफ ए जो होता है वो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं फिर से डेल्टा एफ ए, एफ ए ये लास्ट में आया है और फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच, मतलब जो यहाँ होगा वो लास्ट में आएगा और उससे एच इंक्रीज वाला आगे आएगा। ये हो गया डेल्टा एन, डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यू एफ ए, सो ऑन, डेल्टा एन एफ ए आर कॉल्ड फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस, या फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए अगला है, बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। इसका सिंबल है डेल एफ ए, फॉर्मूला है इसका एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, एच इंटरवल, ये बैकवर्ड है, ये बैक हो रहा है, इसे माइनस एच हो गया। ठीक है, सही, डेल्टा स्क्वायर, या हम कहें डेल्टा एफ ए प्लस एच, तो यहाँ आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एच, इसमें से कम कर दीजिए, एफ ए डेल एफ ए के लिए क्या आया? एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, डेल एफ ए प्लस एच के लिए क्या आएगा? एफ ए प्लस एच माइनस, इसमें से एच कम करिए माइनस करिए तो ए रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही डेल एफ ए प्लस टू एच अगर कहें तो यहाँ आएगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ ए
तो यहाँ आएगा डेल स्क्वायर, तो डेल सॉरी डेल, ये डेल्टा है, लिखेंगे डेल डेल एफ ए, डेल डेल एफ ए का फॉर्मूला एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, डेल ऑपरेट कर दो, डेल एफ ए माइनस डेल एफ ए माइनस एच, ठीक है, डेल स्क्वायर हो गया ये, आगे डॉट डॉट डेल एन एफ ए इज इक्वल टू डेल एन माइनस वन डेल एफ ए, डेल एन माइनस वन डेल एफ ए का फॉर्मूला एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, डेल एन माइनस वन एफ ए माइनस डेल एन माइनस वन एफ ए माइनस एच, ठीक। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। देखिए एक होता है शिफ्ट ऑपरेटर, ई फॉर्मूला इसका ई एफ एक्स, इसका होता है एफ एक्स प्लस एच ई स्क्वायर एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टू एच, ई क्यू एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टू एच, ये टू थ्री एच सॉरी, जितनी पावर है उतनी एच प्लस हो जाएंगी, जैसे टू पावर है टू एच प्लस होगा, ई एफ एक्स यानी वन पावर है ई के लिए, और सो ई की पावर एन एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर हुआ, तो तीन ऑपरेटर होते हैं यहाँ हमारे, फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड डेल्टा बैकवर्ड डेल शिफ्ट ई। देखिए अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, ई और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है ई इक्विवेलेंट वन प्लस डेल्टा, तो ये हमें प्रूफ करना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, प्रूफ देखिए इसका। देखिए ई एफ एक्स बी है ई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस एच, ये हम जानते हैं, ठीक ना। हम फॉर्मूला लें डेल्टा एफ एक्स का, क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स एज इट इज, एफ एक्स हम क्या करें, ये समझे कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स, एफ एक्स हम कैंसिल तो नहीं कर सकते,
ये समझिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो डेल्टा, और ये सिंबल आ जाएगा ई माइनस वन। फॉर हमें प्रूफ करना था ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, तो वन इधर ले आए या प्रूफ्ड। सेकंड रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल, ये होता है ई की पावर माइनस वन, वन माइनस डेल। ई की पावर माइनस वन, इसका सॉल्यूशन देखिए, डेल इज इक्वल टू डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एफ एक्स माइनस एच। डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ये आया एफ एक्स माइनस एच, ये एफ एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, अब ये माइनस एच है तो ई की पावर माइनस वन, ये फार्मूला है आप देख सकते हैं। ई की एन इज इक्वल टू ई की एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, तो जितना एन है वो पावर पाएगा, यहाँ एन कितना है माइनस वन, यहाँ वन माइनस ई की पावर माइनस वन एफ एक्स डेल एफ एक्स, यहाँ से डिलीट करिए या ई माइनस वन वन माइनस डेल, यही हमें प्रूफ करना।